ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक नौजवान लड़की ने अपने हाथ में कैमरा पकड़ रखा है जो अपने पीछे खड़ी एक गाड़ी दिखाती है, फिर अपने चंद दोस्तों को दिखाती है और साथ ही साथ ये कहती है ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी फाड़ी यानी पार्टी हो रही है। अपने दोस्तों के साथ बनाई गई महज 4 सेकंड की ये आम सी वीडियो बनाने वाली एक लड़की देखते ही देखते इतनी वायरल हो गई कि ना सिर्फ इंटरनेट पर बल्कि हर दूसरे शख्स ने इनके मीम्स बना डाले हैं, बल्कि सरहद पार इंडिया में भी जा पहुंची हैं जहां एक गुलकार ने इनकी वीडियो को इस्तेमाल करते हुए मजाहिया अंदाज में एक मैशअप गाना बना दिया है। रातों रात मीम बन जाने वाली ये लड़की 19 साल दनानीर मुबीन है। दनानीर के घर वाले इन्हें प्यार से जीना कहकर बुलाते हैं। इस लड़की की असल हैसियत क्या है, असल हकीकत क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, ये आपको आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देख लेना है। दनानीर का ताल्लुक पेशावर से है और वो खुद को एक कॉन्टेंट क्रिएटर कहती है जो अपने ब्लॉग्स पर जिंदगी के बारे में शेयर करने के अलावा मेकअप, फैशन और लाइफस्टाइल से लेकर ज़हनी सेहत के मसाइल से मुतालिक हर चीज़ पर बात करती है। दनानी को अपने खानदान वालों के साथ वक्त बिताने के अलावा पेंटिंग और वक्तन फवक्तन गुलकारी करना पसंद है और कुत्तों से बहुत प्यार है। इनकी इंस्टाग्राम पर शाया होने वाली इस वीडियो को अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद देख चुके हैं और वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की तादाद 5 लाख से बढ़ चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि ये वीडियो बनाने से पहले आपने कुछ सोचा था, उनका कहना था कि ये पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। दनानीर बताती हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ नथिया गली घूमने गई हुई थी और जब खाना खाने के लिए रुकी उस वक्त बस अचानक ही अपना मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बना ली और अपलोड कर दी। एक सवाल में जब उनसे पूछा गया कि क्या आमतौर पर भी इसी अंदाज में बात करती है, इस बारे में दनानीर का कहना था कि इस तरह बर्गर स्टाइल में बात करना उनका अंदाज नहीं है और वो ऐसी बात नहीं करती, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये मजाहिया अंदाज इख्तियार किया था। वो कहती हैं कि उन्हें पार्टी कहना आता है और उनको पता है कि ये पारी नहीं पार्टी होता है। वो सिर्फ अपने इंस्टाग्राम को के फॉलोअर्स को हंसाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ताहम दनानीर का ये भी कहना है कि उनके घर और दोस्तों में सबको पता है कि वो जरा मजाहिया बातें करती हैं। जब दनानीर से पूछा गया कि ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी आपको पता था, उनका कहना था कि अगर वो सच बताएं तो जब वो वीडियो अपलोड कर रही थी उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी और वो बताती हैं कि उनका मकसद सिर्फ सबको हंसाना था जिसमें वो कामयाब रही हैं। दनानीर कहती हैं कि उनको इतना प्यार मिल रहा है कि उनसे हजम नहीं हो रहा, लेकिन अब उनके पास एक बड़ा खानदान है जिसके लिए वो अपने तमाम फॉलोअर्स की बहुत शुक्रगुजार हैं। और जब उनसे पूछा गया कि घर वालों को मालूम है कि इंटरनेट पर कितनी भारी हो रही है, तो खानदान के रद्देमल के बारे में उन्होंने बताया कि इस मामले में वो खुशकिस्मत हैं और इस वायरल वीडियो से पहले भी इन ब्लॉग्स के हवाले से फैमिली का उनके साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल है। खासकर उनकी अम्मा, जब से शोबिस के बड़े सितारों ने उनकी वीडियोस पर रिएक्ट किया है तो उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा और वो खुशी से फूले नहीं समा रही। दनानीर पर मीम्स बनाने वालों में सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं इंडियन भी शामिल हैं। हत्ता के एक इंडियन गुलकार यशराज मेघाते ने उनका वायरल वीडियो इस्तेमाल करते हुए एक मैशअप भी बना डाला है। दनानीर को इंडियन गुलकार का मैशअप गाना देखकर कैसा लगा, इस पर उनका कहना था कि जहां दुनिया भर में इतनी परेशानियां और इतनी तकसीम है, ऐसे वक्त में सरहद पार से प्यार बांटने से बेहतर और क्या हो सकता है। उनका कहना है कि उनको खुशी है कि उनकी वीडियो के बायस अब वो और उनके हमसाये मिलकर पार्टी कर रहे हैं। यश ने अपने मैशअप की कैप्शन में लिखा है, आज से मैं पार्टी नहीं सिर्फ पारी करूंगा, क्योंकि पार्टी करने में वो मजा नहीं जो पारी करने में है। दनानीर की वीडियो पर बेशुमार मीम्स बने हैं, तो उन पर जब उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे पसंदीदा मीम्स कौन सी है, तो उस पर उनका कहना था कि ना सिर्फ दुनिया भर में
बल्कि पाकिस्तान भर के कोने कोने से लोग घरों दफातर कॉलेजेस हत्ता के स्कूल के बच्चे तक मीम्स और वीडियोस पर रिएक्ट करके भेज रहे हैं और उनका नहीं ख्याल कि उनमें से कोई वीडियो उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट हो। उनका ये कहना था कि खास तौर पर जब पाकिस्तान की बात आए तो पाकिस्तानी बहुत आला पाए के मीम्स तख्लीक करते हैं और वो सब के सब इतने हमागीर और दिल को छू लेने वाले होते हैं कि उनमें से किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पारी कर सके।